चैनल। तो आज का वीडियो का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। मम्मी पापा ने हमको एक गिफ्ट थोड़े गिफ्ट दिए थे, तो आज गोलू की बर्थडे के लिए, तो आज मैं वो आपको दिखाने वाली हूँ। कुछ नैनीताल जाने से पहले दिए थे, कुछ नैनीताल के आने के बाद से दिए थे। तो मम्मी अभी शाम की पूजा कर रही है, चले दिखाती हूँ। ये देखिए मम्मी शाम की पूजा करी, आरती उतार रही भगवान की। और आप तो इस कलर दिखाओ, इस कलर दिखाओ, क्या दिखाती हो आप? रेडियो माँ? यस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आद्या ने आप लोगों को बता ही दिया है, तो आज इनके जो गिफ्ट्स हैं, ये बोल रही थी कि दिखाने को, बोलो बोल रही थी कि उमा वो गिफ्ट मुझे फ्रेंड्स को दिखा, हाँ हाँ दिखा रहे हैं, चलो। चलो अच्छे से दिखा दो। ऐसा वाला तुम्हारा बॉक्स है? चलो मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ इसका बॉक्स। तो पढ़ाई से रिलेटेड चीजें ही हैं, कुछ टॉयज भी हैं। तो टॉयज तो हमने मतलब चाहिए थी रिमोट वाली कार, तो हमने मंगवाई थी रिमोट वाली कार, तो हम नैनीताल जाने के पहले एडवांस में मंगवा दिए थे। और मतलब आधे पापा ले आए थे और फिर हम चले गए थे, तो वहाँ पे हमने इसको नहीं दिए थे, पैसे दिए थे, तो वहाँ से लौटने के बाद मंगवाए हैं। तो वो क्या है कि कलर बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स है। तो पेंसिल बॉक्स था, पेन बॉक्स, वो दोनों को चाहिए था, क्योंकि एक को दिलाएंगे तो दूसरा सेम चीज़ें दिलाई हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि वो बातें नहीं करने दे रही, बोल रही कि नहीं सबसे पहले दिखाओ। चलिए दिखाते हैं गोलू और इनके टॉयज प्लस पेन बॉक्स कलर बॉक्स। दोनों के लिए मंगाया है। चलिए अंदर से भी देखते हैं। हाँ तो बहुत है, हाँ दोनों का है बेटा, तुम्हारा भी तो रखा है, देखो गोलू का है एक, गोलू का है एक, दीदी का, सेम टू सेम तो मंगवाए हैं। ये भी तो दीदी का है। नहीं वो दीदी का नहीं है, एक गोलू का है। ये भी तो है दीदी का, ये देखिए। हाँ हाँ बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। ये क्या है? ये किचन सेट है गोलू का। हाँ, अंदर से दिखाओ। हाँ, अंदर से दिखा दो। चलो खोलते दिखा। हाँ खोलते दिखा दो। खोल दी नहीं यार। हाँ दीदी खोल रही है ना दीदी, वो चलो ठीक है। ये है गोलू का किचन सेट। ये देखो, इसे खाना बना के खिलाएगी गोलू सबको, है ना? हाँ। खाना क्या क्या बनाओगे गोलू? गोलू क्या क्या बनाओगे बेटा? गोलू क्या क्या बनाओगी खाना? दीदी तो पढ़ाई करेगी, तो दीदी को तो ज्यादा पढ़ाई से मतलब, गोलू बताएगी क्या क्या बनाना है। मैं ये क्या है? ये क्या है? भुट्टा भी बोलते हैं, कॉर्न भी बोलते हैं। ओके अच्छा, तो ये हो गया है गोलू का किचन सेट। हाँ। और नेक्स्ट क्या है? मैं जो के दिखाती हूँ। हाँ नेक्स्ट क्या है? चलो खेलने वाला। हाँ ये हमारा बड़ा वाला था, तो इनको छोटा सा चाहिए था, तो इनके लिए छोटा सा है बैडमिंटन। मैं तो इसे अच्छे से खेलूंगी। हाँ और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट क्या है? हाँ चलो वो अभी दिखा देंगे, कलर है भाई। ये क्या है? ये रिमोट कंट्रोल वाली कार है, तो इसका चार्जर भी है इसको। तो मैं आपको खोल के कैसी लगी आपको ये कार? के साथ और ये आपको कैसी लगी मेरी कार? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और भी इसके साथ कुछ आया है, इसका चार्जर है, मतलब बैटरी खत्म हो गया तो चार्ज अभी दीदी सेट करेगी। लास्ट चीज ये है चलाने वाली रिमोट कंट्रोल। अच्छी लग रही है ना? ये अच्छा लग रहा है ना आपको? हाँ वो बहुत अच्छा लग रहा है। इंडक्शन चूल्हा भी है इसमें तो, और इसका टैप वगैरह नहीं सेट किया गोलू ने। अरे ये तो एक ही बच्चा है। चलो दीदी सब सेट करेगी फिर दिखाएंगे तुम्हारा किचन से। और दूसरी वाली कार कहाँ गई भाई? येलो वाली। आप एक मिनट रुकना, मैं भी लगाती हूँ। ये बॉक्स है, ये कुछ ऐसा है। ये कौन है गोलू? ये कौन है? एल्सा। एल्सा तो गोलू को चाहिए थी एल्सा वाली, और आद्या को चाहिए थी बार्बी। मुझे तो बार्बी पसंद है। हाँ तो आद्या के लिए बार्बी वाली पेन बॉक्स है, गोलू के लिए एल्सा वाली। तो ये कुछ ऐसा है। चलो ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं। तो एक रेड कलर की इनकी कार है रिमोट वाली, सेकंड भी ये भी रिमोट कंट्रोल से ही चलती है, बट इसमें चार्ज नहीं होता है। तो ये जैसा कि है, ये बैटरी इसकी चार्ज करते हैं, चार्ज करने के बाद फिर इसमें भी बैटरी पड़ी हुई है। ऐसे ऐसे इसमें बैटरी लगती है। तो ये है और इसको चार्ज करते हैं। और ये नेक्स्ट है, ये इनकी ये भी रिमोट कंट्रोल से चलती है, बट इसमें चार्जिंग वाला नहीं है। इसका रिमोट कहाँ गया भाई? हाँ ये चार्ज नहीं होता है, और रिमोट कंट्रोल से ये भी चलता है। एक तो पता है, हाँ मारना। अभी दिखाते हैं ये जो इनका पेन बॉक्स है, तो जैसा इसमें पेंसिल्स लगाने वाला है, इसमें पेंसिल्स लगती हैं। इसके साथ दो पेंसिल थी भी, लेकिन उन्होंने खेलने के लिए निकाला, खेल के इधर उधर कहीं डाल दिया है। और एक बॉक्स इधर मिल जाएगा, आप इधर शार्पनर रेजर कुछ भी रख सकते हो। और ये है शार्पनर, इसी में दिया हुआ है तो शार्पनर पेंसिल साफ करने के लिए, पेंसिल साफ करने के लिए ये दिया हुआ है। और ये बॉक्स भी दिया है, इसमें आप इरेजर वगैरह रख सकते हो। प्लस ये भी दिए हैं पेंसिल के लिए, ये पेन पेंसिल कुछ भी लगा सकते हो छोटे साइज का है तो। और एक ऐसा बॉक्स दिए हैं दोनों साइड में। प्लस ये बॉक्स दिए हैं, इसमें आप पेंसिल्स कलर्स इसमें भी रख सकते हो। ये वन साइड का हो गया, और दूसरे साइड में भी मेरी ये नहीं चलता।
दूसरे साइड में भी ये दिए हैं, इसमें भी आप पढ़ाई से रिलेटेड चीजें, पेन पेंसिल इरेजर, आप जो पेन्स वगैरह जो भी रखना है आप इसमें भी रख सकते हो। तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ती है। बहुत ज्यादा यूजफुल है बच्चों के लिए। तो ये हो गया गोलू का, और ये गोलू का है, ये भी सेम टू सेम है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, बस सिर्फ थोड़ा सा कलर भी चेंज है, इनके डॉल्स चेंज हैं, और तो सब कुछ सेम टू सेम है, सब कुछ सेम टू सेम है जैसा कि मैं आपको दिखा सकती। एंड नेक्स्ट है इनके लिए, अभी खेल रहे थे, कुछ कलर्स तो नहीं गायब किए? कलर तो है ही नहीं। ये है इनका कलर, अदे इसकी कैप नहीं है, कैप नहीं है, प्लस इसकी एक पेंसिल। तो दोपहर में क्या था कि दोपहर में ये लोग कुछ कलर कर रही थी, थोड़ा सा यूज किया हुआ है, तो ये वाला कलर है। स्केच पेन में लगा दो, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कलर सॉर्स भी है, बट इनको अच्छे लगा तो इसका बॉक्स अच्छा लग रहा था। तो ये है ऐसे दिया हुआ है, ये बहुत क्यूट सा लगता है, प्यारा सा बॉक्स है। तो ये चीजें इनको इनके बर्थडे के लिए मिली थी, जो कि दिया चलो।